विक्रम साइकिल्स, यहाँ पर आपको बहुत ही वैरायटीज ऑफ साइकिल्स देखने को मिलेगी। तो चलो हमारे साथ और देखते हैं क्या क्या हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। वैसे यहाँ पर कैमरा और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, फिर भी हमने उनसे रिक्वेस्ट करके एक हम्बल परमिशन लेके अंदर गिर जा रहे हैं। लेट्स कम एंड कनेक्ट। सो यहाँ पर पर्सन एंट्री फीस 100 रुपीज़ है, और जैसे एंट्री करेंगे तो आप दो यूनिक साइकिल्स मिल जाएंगी सुपरमैन्स की। और ये पूरी यहाँ पर हिस्ट्री इन्होंने लिखी है, विजिटर्स के इंफॉर्मेशंस लिखे हैं, टाइमिंग 11 to 7 PM, वीकली हॉलीडे ऑन ट्यूसडे। तो ये पुणे का जो पुराना रोड मैप है, इसको भी यहाँ पर शो किया हुआ है। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी कूल प्लेस। तो मैंने कभी देखा ही नहीं है ना ऐसे, इतने सीधे अच्छा लग रहा है तुमको? उसको क्या समझ में कि क्या है ये लाइट से? तुम्हारे पापा भी नहीं थे तब के जमाने की साइकिल, और उसकी लाइट से ही है। पंप से अलग अलग आती थी ना, जो वो है रिपेयर करने की चीज़ें भी हैं। और ये सबसे अच्छी और बेहतरीन साइकिल, और ये देखो क्या है, टायर बदलने के जो इक्विपमेंट्स वो सब भी है यहाँ पर। इसे टायर बदलने के वो सब के इक्विपमेंट्स हैं, तेल बदलने के इक्विपमेंट्स है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, उसका स्पैनर, तेल बदलने का, क्लिप बदलने का, हवा का पंप भी है। और ये है अलग अलग, पहले ये बैटरी का ज़माना नहीं था तो कैरोसिन लैंप है, हब है उसका, शिफ्टर है, घंटी है। तो पहले ऐसे ऐसे हमारे जो पुराने स्वतंत्रता सेनानी थे, या जो लोग थे हमारे माँ पापा दादा के ज़माने के लोग ऐसे साइकिल यूज़ करते थे। पंप देखो, आपको पंप दिखाता हूँ, ये पंप में हवा भरते भरते हवा निकल जाती थी। ये देखो यूनिक लाइट्स है सब, बहुत यूनिक लाइट्स है। तो ये फोर व्हीलर में ऐसे लैंप्स लगते थे, देखो लिखा भी है। तो हाँ, अंग्रेजों के ज़माने या पुराने जो मूवीज देखोगे उसमें तुम्हें देखने को मिलेगा ये सब चीज़ें। तभी बैटरी नहीं थी ना उस समय। तो ये देखो ना तेल, ये देखो लैंप है सब, तेल डाल दो जलता रहेगा। हाँ चलता रहेगा। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे म्यूजियम देखा है और विजिट करने आया है, थैंक्स टू विक्रम पेंटसे सर, जिन्होंने इतने हार्ड वर्क से ऐसा म्यूजियम बनाया और हमें वो चीज़ें दिखाई जो हम कभी नहीं देख पाए थे। कद्दूकस करते थे वो सब भी रखा है, जूसर मिक्सर है, और ये अच्छा स्टोव्स भी रखा हुआ है। बाप रे, बहुत ही यूनिक है। देखो ये ओवन, देखो 1930 का ओवन है। वाह, ज़माने की पत्र पेटी कैसे हुआ करती थी, आज तो ईमेल और इंटरनेट का ज़माना है। जब मैं स्कूल में जाता था ना तो हमारे यहाँ पर वो वाली कोयले वाली सिगड़ी रहती थी, मैंने उसको देखा है। वो अभी भी चलता है कहीं, बहुत ही कम चलती है कहीं। ब्यूटीफुल लैम्प देखो, ये सब रॉकेल कैरोसिन लैम्प है। मराठी में रॉक कैरोसिन को रॉकेल बोलते हैं, और हिंदी में कहीं कहीं उसको खास लेट भी बोलते हैं। सर यहाँ नहीं रहते क्या? कहाँ रहते सर? अच्छा, उन्होंने अपना प्रोफेशन यहाँ पर डाल के वहाँ पे काम कर रहे हैं।
ये पैडल कार्स, और अभी कितने पुरानी है, दिस वन इज फ्रॉम 1950। वाओ, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, दिस इज 1960। काफी हैवी भी दिख रहे हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये देखो सिगरेट केस है, आई एम नॉट स्मोकिंग। और ये सभी ने मूवी में देखा ही रहेगा, पाइप पाइप पाइप, कौन सा पाइप? बाप रे, ये राजकुमार की पाइप है जानी। हमने गोलियां नहीं खेली हैं, पता नहीं क्या डायलॉग मारा होगा उन्होंने उस समय। डेनियल्स, वाओ, सी जैक डेनियल्स, वाओ, सी द जिम बीम, वाओ, एंड टीचर्स, ऑक्सफर्ड, ही वाज रेगल प्रीमियम गुड। तुम्हारा फेवरेट क्या है वो बताओ ना, अपना फेवरेट बताओ। नन ऑफ द माय फेवरेट। यार क्या जबरदस्त लाइटर्स है यार, वाओ, फोन्स, इतने बड़े रेडियो होते थे और आज के ज़माने में मैं इतना छोटा सा कैमरा लेके घूम रहा हूँ, कहाँ से कहाँ पहुँच गया ज़माना। सिद्धि तुम्हारे तरह क्यूट क्यूट से है ना सभी, है बहुत छोटू छोटू से हैं, कहीं कहीं छोटू छोटू से, कहीं कहीं बड़े बड़े से हैं। दिस इज द परफ्यूम कॉर्नर एंड आफ्टर सेव लोशन। अच्छा, आफ्टर सेव लोशन की ये बॉटल्स भी है, वाह वाह, दैट्स गुड। कौन सा? ये देखो ये सब बॉटल्स, आफ्टर सेव लोशन, इसमें सब आफ्टर सेव लोशन। गाड़ी मतलब फर्स्ट टाइम देखा मैंने भाई, ऐसी चीज़ें देख सकते हो जो आप कभी पहले देखी नहीं होगी, केवल सुनी होगी या कहीं टीवी में तो देखी ही होगी, खैर, लेकिन वो लाइव एक्सपीरियंस फील नहीं किया होगा, तो यहाँ पर आके वो लाइव एक्सपीरियंस फील कर सकते हो। अब ये गाइस गैस करो ये क्या चीज़ें हो सकती हैं, गैस करो फटाफट, और इसको भी गैस करो, शायद अरे यार सर ने रख दी है वो चीज़ें, शायद आप गैस कर लोगे। वो रखा है तो सैंपल के लिए, सैंपल के लिए। और देखिए ये गैस करो क्या है गाइस, ये चैरियट है ना, बच्चों के बेबी कैरेज, व्हील रोटेशन के लिए, और डायरेक्शन पैर से करनी है, बताओ कितना टफ रहा होगा। दिस साइकिल्स बिलोंग्स टू 1960। इंडिपेंडेंस के बाद भी कुछ सालों तक इंग्लैंड से बहुत चीज़ें आती रही हैं, इंडिया में आती रही, कुछ लोग इंपोर्ट भी करते रहे हैं। हाँ वो चलता रहा, मार्केट था तो, हाँ ओपन मार्केट था तो इजीली अवेलेबल हो जाती थी चीज़ें, करेक्ट। आप कुछ इसको मेंटेन कैसे किया, मतलब अभी भी इतनी न्यू लगती है, तो आप लोग हमेशा इसको सर्विसिंग करते रहते होंगे? हाँ, वर्किंग कंडीशन में पूरी, तो स्क्रैप कंडीशन में आती है, और जिसको पेंट करना पड़ता है वो वापस पेंट करते हैं। वर्ल्ड वॉर टू की साइकिल्स है, वर्ल्ड वॉर टू की साइकिल है, तो ये ऐसी फोल्डेबल साइकिल होती थी, आर्मी पर्सन होता था वो सीधे पैराशूट लेके सीधे जंप करता था साइकिल, और फिर उसके अंदर टू फोल्डेड बना के लेके चलता था, और अगर कभी पंचर हुई तो उनके टूल किट्स होते थे और उसको रिपेयर करके आगे बढ़ जाते थे। इनके कैप्स भी रखे हैं, उनके वाटर बॉटल्स भी रखे हैं, तो समझो उस समय फाइट कैसे हुआ करती थी, वन फोल्डेड साइकिल पैराशूट से लेके जंप करना, हैट्स ऑफ। और कुछ साइकिल्स ये देखिए, ये साइकिल्स है 1955 की, ये साइकिल है 1966 की, 1960 की इंग्लैंड से लाई है, मतलब इतनी पुरानी साइकिल्स है। और ये साइकिल आपको दिखाया ही मैंने 1950 1960 की, सो बहुत पुरानी पुरानी साइकिल्स है। ये पोस्टमैन साइकिल्स है, ये साइकिल सही है, टूल बॉक्स भी है इसमें, वाह। ये साइकिल कब की है? 1955 में भी इंग्लैंड चलाई साइकिल है, इंग्लैंड ने बहुत काम किया हमारे लिए। चाबी से यहाँ लॉक हो जाता है, अंग्रेजों ने तो कुछ देखे क्या लग रहा है, लेके थोड़ा गए, लेके बहुत गए। हाँ देखे थोड़ा गए, लेके ज़्यादा गए, बहुत गए, ज़्यादा नहीं बहुत लेके गए। सिद्धि देव कहाँ बैठी है मुझे, चल 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 मैं चॉकलेट दे दूँ, चल एक किधर भी मस्ती करती है जाके, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चॉकलेट, चल चल चॉकलेट चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट निकल निकल, इतने बदमाश है, थोड़ा सा फिंगर छोड़ो ना, बदमाशी शुरू हो जाता है इसका, जल्दी जल्दी
क्या बदमाशी कर रही है तू? What a beautiful voice. साइकिल गोल्डन सन बीम 1913 की आई है। सुजुकी एक्स, ये है राजदूत 1982। ये राजदूत याद है मुझे, अपने गांव में लिया था। हाँ हो सकता है विक्की, इसको 1987 की विक्की है। 1985 की यामाहा RX 100 कार की कलेक्शंस है, बाइक्स की कलेक्शंस भी है, स्कूटी की भी कलेक्शंस है। एम्बेसडर भैया की शादी में एम्बेसडर के लेके गए थे। स्टेयरिंग वगैरह एकदम ही यूनिक है, बड़ी बड़ी हेडलाइट जो कितनी बड़ी बड़ी है। और ये रही एम्बेसडर, आपको दिखाते हैं एम्बेसडर। यो यो, आज ये रोड पे लेके चलोगे ना 10 लोग देखेंगे, अरे कहाँ से लाया भाई। ये है ऑस्टिन 8, 1947 में लाई गई है, मतलब ऑस्टिन 8 जो 1947 मेड है। और इसका क्या नाम है? ऑस्टिन 1934। ओल्ड है लेकिन बहुत भारी भारी है एकदम। ऑलवेज सेज ना ओल्ड इज गोल्ड, भारी और काफ़ी मजबूत भी है। सो गाइस, बहुत धूप लग रही है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं अपने ब्लॉग को।